दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय नौसेना के अधिकारियों की रैंक कैसे होती है? क्या आप जानते हैं कि भारतीय नौसेना के अधिकारियों का रैंक स्ट्रक्चर को कैसे पहचाना जाता है? और सबसे रोचक बात, क्या आपको पता है कि नौसेना की वो कौन सी रैंक है जिस पर आज तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, यानी वो आज भी खाली है? अगर नहीं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको भारतीय नौसेना के अधिकारियों की रैंक से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आपको SSB क्रैक एग्जाम्स की लर्निंग ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना चाहिए, क्योंकि SSB क्रैक एग्जाम्स आपको डिफेंस एग्जाम्स और SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन में हेल्प करता है। हमारे कोर्सेज में आपको लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, स्टडी प्लान्स, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट और बहुत सा कॉन्टेंट मिलता है जो आपको डिफेंस प्रिपरेशन में हेल्प करता है। हमारी लर्निंग ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। भारतीय नौसेना का इतिहास वैसे तो बहुत प्राचीन है, लेकिन आधुनिक भारतीय नौसेना की उत्पत्ति को हम अंग्रेजों के साथ जोड़ सकते हैं, जब 1612 में कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगालियों का सामना किया और उन्हें हरा दिया। इस मुठभेड़ के साथ साथ समुद्री लुटेरों की परेशानी ने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत यानी गुजरात के पास स्वाली में एक छोटा बेड़ा बनाए रखने के लिए मजबूर किया। 5 सितंबर 1612 को लड़ने वाले जहाजों का पहला स्क्वाड्रन आया, जिसे तब ईस्ट इंडिया कंपनी की मरीन कहा जाता था। 1686 तक ब्रिटिश बिजनेस मुख्य रूप से बॉम्बे में स्थानांतरित हो गया, इसीलिए इस फोर्स का नाम बदलकर बॉम्बे मरीन कर दिया गया। 1830 में फिर से बॉम्बे मरीन का नाम बदलकर हर मैजेस्टीज रॉयल इंडियन नेवी कर दिया गया। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने पर रॉयल इंडियन नेवी में 11,000 अधिकारियों और नौसैनिकों के साथ कोस्टल पेट्रोल के लिए उपयुक्त केवल 32 पुराने जहाज शामिल थे। रॉयल इंडियन नेवी के नाम में जुड़े रॉयल को 26 जनवरी 1950 को भारत को रिपब्लिक के रूप में गठित करने के साथ हटा दिया गया था। दोस्तों, भारतीय नौसेना के अधिकारियों की रैंक कैसे होती है? नेवी के अधिकारियों की रैंक को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, पहले नॉन कमीशन्ड रैंक, दूसरे कमीशन्ड ऑफिसर्स रैंक। तो आइए दोस्तों, जानते हैं नौसेना में अधिकारियों और सेलर्स की रैंक स्ट्रक्चर। सीमैन सेकंड क्लास, ये भारतीय नौसेना की सबसे लोअर रैंक होती है। इस रैंक में ना कोई पट्टी होती है और ना किसी तरह का कोई पहचान चिन्ह होता है। सीमैन फर्स्ट क्लास, ये सीमैन सेकंड क्लास से सीनियर रैंक होती है। इस रैंक में भी ना कोई पट्टी होती है और ना ही किसी तरह का कोई पहचान चिन्ह होता है। लीडिंग सीमैन, लीडिंग सीमैन सीमैन सेकंड क्लास से सीनियर और पेटी ऑफिसर से जूनियर होता है। इसकी पहचान एक एंकर का निशान होता है। पेटी ऑफिसर, पेटी ऑफिसर नॉन कमीशन्ड रैंक्स में लीडिंग सीमैन से ऊपर और चीफ पेटी ऑफिसर से जूनियर रैंक है। इसकी पहचान अशोक चिन्ह के साथ दो क्रॉस्ड एंकर्स का निशान होता है। चीफ पेटी ऑफिसर, ये पेटी ऑफिसर से सीनियर और मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास से जूनियर पोजीशन है। इस रैंक के प्रतीक चिन्ह में एक सुनहरा एंकर होता है, जिसके चारों ओर सुनहरे ओक के पत्तों की माला होती है। मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास, ये मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास से जूनियर पोजीशन है। इसके पहचान चिन्ह में एक सुनहरी पट्टी होती है, जिस पर ओक के पत्तों की सुनहरी माला से घिरा एक एंकर पाया जाता है। मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास, ये नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स की सबसे सीनियर पोजीशन है। इसके पहचान चिन्ह में दो सुनहरी पट्टी होती है, जिस पर ओक के पत्तों की सुनहरी माला से घिरा एक एंकर पाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी नॉन कमीशन्ड सेलर्स की रैंक की जानकारी। चलिए अब जानते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स के बारे में। मिडशिपमैन, भारतीय नौसेना में मिडशिपमैन NDA या INA में कैडेट के रूप में अपना करियर शुरू करते हैं। उनके प्रशिक्षण के अंत में एक बोर्ड द्वारा मिडशिपमैन की जांच की जाती है और सब लेफ्टिनेंट के रैंक पे प्रमोट किया जाता है। मिडशिपमैन के शोल्डर्स पे व्हाइट कलर की एक पट्टी देखी जा सकती है। सब लेफ्टिनेंट, ये सबॉर्डिनेट ऑफिसर रैंक है, जिसे सब लेफ्टिनेंट कहा जाता है। कंधे और आस्तीन का प्रतीक चिन्ह एक गोल्डन घुमावदार पट्टी है। लेफ्टिनेंट, ये सब लेफ्टिनेंट से सीनियर रैंक है। इस रैंक की पहचान इसकी दो सेम साइज की पट्टियां होती है, जिसमें एक पट्टी घुमावदार होती है। लेफ्टिनेंट कमांडर, ये लेफ्टिनेंट रैंक से सीनियर रैंक है। इसके प्रतीक चिन्ह तीन सुनहरी धारियां होती हैं, जिनमें बीच वाली दूसरी दो की तुलना में पतली होती है और आखिरी पट्टी एक लूप वाली होती है। कमांडर,
कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर से सीनियर रैंक है। इस रैंक के लिए प्रतीक चिन्ह तीन सुनहरी धारियां हैं जिनमें से एक लूप वाली होती है। कंधे और आस्तीन के प्रतीक चिन्ह समान हैं। कैप्टन अक्सर इस रैंक के अधिकारी को कमांडिंग ऑफिसर के रूप में संबोधित किया जाता है। कंधे और आस्तीन के प्रतीक चिन्ह में चार समान आकार की सुनहरी धारियां होती हैं, जिसमें अंतिम पट्टी घुमावदार होती है। कमोडोर इस रैंक के अधिकारी को एक साथ एक से अधिक जहाजों की कमान संभालने का काम सौंपा जाता है। कंधे और आस्तीन के लिए कमोडोर रैंक के प्रतीक चिन्ह एक समान होते हैं, जिसमें काले बैकग्राउंड पर एक चौड़ी सुनहरी पट्टी के साथ एक रिंग होती है। रियर एडमिरल ये रैंक वाइस एडमिरल रैंक के नीचे टू स्टार रैंक है। रियर एडमिरल के कंधे के प्रतीक चिन्ह सुनहरे बैकग्राउंड पर अशोक चिन्ह, जिसके नीचे एक क्रॉस्ड बैटन और तलवार के साथ दो स्टार हैं। आस्तीन के प्रतीक चिन्ह में एक पतली घुमावदार पट्टी के नीचे एक चौड़ी पट्टी होती है। वाइस एडमिरल वाइस एडमिरल भारतीय नौसेना में एक थ्री स्टार रैंक है और वर्तमान में ये रैंक नौसेना में दूसरी सबसे बड़ी सक्रिय रैंक है। वाइस एडमिरल रैंक के कंधे के प्रतीक चिन्ह सुनहरे बैकग्राउंड पर अशोक चिन्ह के नीचे एक क्रॉस्ड बैटन और तलवार तथा तीन स्टार्स मौजूद होती है। स्लीव प्रतीक चिन्ह में एक चौड़ी पट्टी होती है जिस पर दो पतली धारियां जिसमें से एक घुमावदार होती है। एडमिरल ये भारतीय नौसेना चार स्टार एडमिरल की रैंक है। कंधे का प्रतीक चिन्ह एक सुनहरे बोर्ड पर हमारे भारतीय अशोक चिन्ह के नीचे बैटन और तलवार के साथ चार स्टार्स हैं। आस्तीन का प्रतीक चिन्ह एक चौड़ी पट्टी के साथ तीन पतली धारियां जिनमें एक घुमावदार होती है। एडमिरल ऑफ द फ्लीट इस रैंक को नौसेना के एडमिरल या ग्रैंड एडमिरल के रूप में भी जाना जाता था। ये सर्वोच्च रैंक एक ऑनरी फाइव स्टार रैंक है। भारतीय नौसेना के किसी भी अधिकारी को अभी तक इस रैंक पर प्रमोट नहीं किया गया है। इसके प्रतीक चिन्ह एक चौड़ी पट्टी के साथ चार पतली धारियां होती है, जिसमें से आखिरी पट्टी बीच में गोल आकार में घुमावदार होती है। तो दोस्तों, ये थी भारतीय नौसेना के अधिकारियों के रैंक के बारे में जानकारी कि किस तरह कोई अधिकारी भारतीय नौसेना के सबसे ऊंचे पद को सुशोभित करते हैं। हमें उम्मीद है कि इनके बारे में जानकर आपको मजा आया होगा और भारतीय नौसेना के सबसे ऊंचे पद पर आसीन होने का मन किया होगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी जानकारी मिल सके। फिलहाल जल्द ही मैं आपसे एक और वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।